नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सीरियल सर्विस में आज पांच मार्च और मध्य प्रदेश के वीकली करंट अफेयर में आज हम 26 फरवरी से 5 मार्च तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उनका रिवीजन करेंगे ठीक है लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ तो पहला क्वेश्चन है हमारा की अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है तो ये प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी का तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है अभी हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी का निधन हो गया है और प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे थे 2016 से लेकर 2018 तक रहे थे ठीक है और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल भी कौन रहे थे ये श्री प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी थे इनका कार्यकाल कितने दिनों का था तो ये सोलह महीने और चौदह दिन ठीक है सोलह महीने और चौदह दिन तक की हमारे मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहे थे देखिए सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल तो ये श्री ओम प्रकाश कोहली जी और सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे तो ये जस्टिस बीपी दीक्षित रहे हैं ठीक है जस्टिस बीपी दीक्षित कितने दिनों तक की हमारे मध्यप्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे तो ये मात्र सात दिनों तक देखिए राम नरेश यादव भी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं ये कब से कब तक 2011 से लेकर 2016 तक ही रहे थे और लालजी टंडन जी भी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है तो ये 2019 से लेकर 2020 तक हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और मंगू भाई पटेल जी हमारे मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल हैं और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी तो ये सरला अग्रेवाल थी हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी सरला अग्रेवाल थी और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे श्री पट्टावी सीतारामैया थे मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल कौन थे ये श्री एच वी पाटस्कर थे एच वी पाटस्कर दोस्तों सात वर्ष सात माह और सत्तावीस दिन तक हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप में राजू सिंह भदौरिया जी के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है अभी हाल ही में देखिए सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था तो ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के बिंड जिले के राजू सिंह भदौरिया जी के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है याद रखिएगा राजू सिंह भदौरिया जी किस खेल से संबंधित है तो ये घुड़सवारी से संबंधित है ठीक है और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के बिंड डिस्ट्रिक्ट से है और देखिए इनको 2018 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है ठीक है और इनकी उम्र अभी मात्र सत्रह साल है दोस्तों एकलव्य पुरस्कार देखिए उन्नीस वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है दो हजार में एशियन गेम्स भी होने वाले है। तो हमारे मध्य प्रदेश के राजू सिंह जी के द्वारा हॉन्गू एशियन गेम्स में भी क्वालिफाई कर लिया गया है इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा का समापन कहां से किया है तो ये झाबोड से किया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा का समापन कहाँ से किया है तो ये झाबुआ से किया है अच्छा देखिए विकास यात्रा का शुभारंभ कहां से किया गया था तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट से किया गया था कब तो ये 5 दो फरवरी 2023 को किया गया था और इसका समापन कब किया गया है 26 फरवरी 2023 को किया गया है विकास यात्रा में हलमा उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है तो ये झाबुआ में ही किया गया है अभी हाल ही में हलमा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया तो ये झाबुआ में किया गया और विकास यात्रा में महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था तो ये रीवा में किया गया था संत रविदास महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया था तो ये सागर में किया गया था सुन दोस्तों हमारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना दो में महिलाओं के लाभ की पात्रता होने की शर्त क्या है देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है ठीक है और देखिए इसमें हमारी मध्य प्रदेश की तय एवं बहनों को प्रत्येक वर्ष बारह हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी कितनी रुपए की राशि बारह हजार रुपए की राशि इसमें प्रत्येक महीने एक हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी ठीक है और एक क्या क्या होनी चाहिए तो सबसे पहली पात्रता होनी चाहिए कि महिलाएं हमारे मध्य प्रदेश की निवासी होना चाहिए ठीक है महिलाएं हमारे मध्य प्रदेश की निवासी होना चाहिए और उनकी जो आयु है वो तेवीस से साठ वर्ष के बीच में होना चाहिए और देखिए विवाहित महिला को ही ठीक है विवाहित महिलाओं को ही इस योजना का लाभ दिया, तो दिया जाएगा और महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए और देखिए अगर कोई ग्रामीण महिला है और उनके पास पांच एकड़ से अधिक जमीन है ठीक है पांच एकड़ से अधिक जमीन है तो वो इस योजना की पात्र नहीं होगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ठीक है उपरोक्त सभी 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा तो यह हमारे मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभी हाल ही में मध्यप्रदेश के किस शहर में ग्लोबल उद्यान विकसित किया गया है तो यह इंदौर में विकसित किया गया है ठीक है तो इसका हो गया है। और देखिए कहां पर किया गया था तो ये इंदौर में ही किया गया था है? सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो ये इंदौर में किया गया था कब से कब तक तो ये आठ जनवरी से लेकर दस जनवरी तक इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां पर किया गया था तो ये भी इंदौर में ही किया गया था कब से कब तक 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम क्या थी तो ये फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश थी ठीक है तो इसकी थीम याद रखिएगा फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश थी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम भारतीय प्रवासी सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जी थे कौन सा प्रवासी भारतीय सम्मेलन था तो ये सत्तरवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन था और इसकी थीम क्या रखी गई थी तो इसकी थीम प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी तो इसकी थीम याद रखिएगा प्रवासी अमृत काल में में भारत की प्रगति विश्वसनीय भागीदारी इन्हीं दो सम्मेलन को याद रखने के लिए कौन कौन से एक तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और एक प्रवासी भारतीय सम्मेलन इनको याद रखने के लिए ये ग्लोबल उद्यान विकसित किया गया है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश बांस एवं बास शिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो ये श्री घनश्याम पिरोनिया को तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष श्री घनश्याम पिरोनिया को नियुक्त किया गया है और यह है श्री घनश्याम पिनोरिया ठीक है बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड की तो इसकी स्थापना दो हजार में की गई थी और मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन भी कब से चलाया जा रहा है तो ये 2013 से चलाया जा रहा है ठीक है इस अधिनियम के तहत तो एमपी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम उन्नीस के तहत हमारे मध्यप्रदेश की विभिन्न जनजातियों के द्वारा बास की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है इसमें मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं तो एक तो झाबुआ वाला क्षेत्र है और एक मंडला वाला क्षेत्र है बैतूल वाला क्षेत्र है और बात शिल्प कला से निर्मित आकर्षक वस्तुएं कौन कौन सी बनती है खिलौने बनते हैं सजावट की वस्तुएं बनती है और नाइट लेम टोकरिया आदि का निर्माण किया जाता है ये बात करें यहाँ पर रामदयाल प्रजापति की तो रामदयाल प्रजापति को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में माधो सिंह डाबर को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल के संचालक मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और बात करें हम यहाँ पर नंदराम कुशवाहा की तो इनको राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाया गया है तो तो किस राज्य ने पहली बार ई बजट यानी पेपरलेस बजट पेश किया है तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ई बजट यानी पेपरलेस बजट पेश किया है कब एक मार्च दो में ठीक है और कितने लाख करोड़ रुपए का है ये बजट तीन दशमलव एक चार लाख करोड़ रुपए का है तो इसको याद रखिएगा ठीक है कितने रुपए का बजट है ये तीन लाख चौदह हजार चौबीस करोड़ रुपए का बजट है ये ये पिछले वर्ष का बजट कितने रुपए का था तो, तो ये था दो लाख उन्यासी हजार करोड़ रुपए का ठीक है तो ये पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है तो 12 प्रतिशत अधिक है ये भी याद रखिएगा ठीक है और ये बजट किसके द्वारा पेश किया गया है तो हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया है देखिए हमारे देश में पहला ई बजट कब आया था तो 2021 में आया था हमारे देश का पहला ई बजट कब पेश किया गया था दो में कौन सा बजट था दो हजार बजट था हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना की शुरुआत करने की भी घोषणा की है तो बारहवीं कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को स्कूटी दी जाएगी

तो ये 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था अच्छा देखिए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया था ये 2021 में शामिल किया गया था ठीक है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में हमारे प्रदेश के दो स्थल को एक तो लंबेटा घाट जो कि जबलपुर में है और एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इन दोनों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है तो देनवा नदी प्रवाहित होती है और इसमें सर्वाधिक कृष्ण मृग एवं गौर पशु पाया जाता है और यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है तो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है और अभी हाल ही में महुआ का जो वृक्ष चर्चा में रहा था तो ये इसी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है अब बात करें यहाँ पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान की ठीक है कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है याद रखिएगा शिवपुरी और श्योपुर अलग अलग है तो कोनो राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये अभी कोनो राष्ट्रीय उद्यान क्यों है, तो यहां पर 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से आठ चीते लाए गए थे ठीक है नामीबिया से आठ चीते लाए गए थे और अभी हाल ही में 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से कितने चीते लाए गए हैं तो 12 चीते लाए गए हैं हमारे देश में प्रोजेक्ट चिता की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी तो ये भी कोनो राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी कब की गई थी 17 सितंबर दो को की गई थी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा। कोनो राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ था तो ये दो में प्राप्त हुआ था ठीक है और यहाँ पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है तो यहां पर कोनो नदी प्रवाहित होती है देखिए तो बात करें पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की तो यह हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है और कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है तो देखिये बात करें माधव राष्ट्रीय उद्यान की तो इसकी स्थापना कब की गई थी ये नाइनटीन में की गई थी ठीक है इसकी स्थापना नाइनटीन में की गई थी और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह हमारे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एन एच राजमार्ग पर स्थित है और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी कौन सा है तो ये एनएच फोर्टी ही है और फोर्टी सिक्स हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बैतूल तक है और इसकी लंबाई कितनी है तो ये छह किलोमीटर है ग्वालियर से बैतूल तक माधव राष्ट्रीय उद्यान में साख्य सागर झील है जाधव सागर है और माधव सागर झील है ठीक है तो जो साख्य सागर झील है इसको रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था तो ये अगस्त 2022 में प्राप्त हुआ था इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है साख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में है साक्ष्य सागर झील किस जिले में है तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है और इसे रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था तो ये अगस्त 2022 को प्राप्त हुआ था हमारे देश में कितनी रामसर साइट है पचहत्तर रामसर साइट है इसमें से हमारे मध्य प्रदेश में चार रामसर साइट है ठीक है तो एक भोपाल में है भोज बेटलैंड ठीक है एक माधव राष्ट्रीय उद्यान में है जिसका नाम है साख्य सागर झील जो कि शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में है और दो इंदौर में है कौन कौन सी एक तो सिरपुर तालाब और यशवंत सागर तो सिरपुर तालाब और यशवंत सागर दोनों को कब शामिल किया गया था रामसर साइट में तो ये दो में ही शामिल किया गया था ठीक है माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है तो मनिहार नदी प्रवाहित होती है और बात करें हम यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के मंडला बालाघाट दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है और यह हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब की गई थी तो ये 1955 में की गई थी और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां पर हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है वो भी कौन सा है काना राष्ट्रीय उद्यान है और देखिए विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है जिसमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बांदोगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और काना राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारा का निर्माण भी किया जाएगा और देखिए भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर यानी मैस्कॉट 2017 में जारी किया है और शुभंकर का नाम क्या है द बाराशिंगा इसके डिजाइनर कौन है तो रोहन चक्रवर्ती है अभी हाल ही में किस जिले के भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता को प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने सांसद रत्न पुरस्कार दो के लिए चुना है तो ये है मंदसौर के तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभी हाल ही में जिले के भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता को प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने सांसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए चुना है और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं तो बावन है हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो उन्तीस है ठीक है हमारे प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो ये 29 है इसमें छह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और चार सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है हमारे मध्यप्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है 230 है ठीक है इसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी आरक्षित है तो सैतालीस है और अनुसूचित जाति के लिए कितनी आरक्षित है तो पैंतीस है हमारे मध्यप्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है तो ये ग्यारह है देखिए अभी हाल ही में भोपाल में सातवें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया है तो यह हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है अभी हाल ही में सातवें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया तो यह हमारे देश की राजधानी भोपाल में किया है ठीक है और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया तो यह हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है देखिए ये सातवा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था तो ये किया गया था साक्षी विश्वविद्यालय में हमारे मध्य प्रदेश में ही किया गया था कब ये 2012 में किया गया था ठीक है तो याद रखिएगा पहला धर्मधम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था 2012 में कहा पर तो ये हमारे मध्य प्रदेश के साक्षी विश्वविद्यालय में किया गया था साक्षी विश्वविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और देखिए यहाँ पर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रोफेसर एस आर भट्ट के द्वारा लिखित पुस्तक द पेनारोमा ऑफ इंडियन फिलोसफर एंड थिंकर्स की पुस्तक का विमोचन भी किया है अच्छा देखिए सातवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है तो ये कब से कब तक किया जाएगा तो ये तीन मार्च से लेकर मार्च तक किया जाएगा। देखिए अभी हाल ही में पर्यावरण विभाग के एपको और अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान डब्ल्यू इंडिया के बीच हमारे मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में सहयोग के लिए एक एमओयू साइन किया गया है तो ये जलवायु परिवर्तन और वन संरक्षण दोनों के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों और देखिए बात करें हम यहाँ पर एपको इसकी फुल फॉर्म क्या होती है इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन तो एपको की फुल फॉर्म याद रखिएगा इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन और इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो ये भोपाल में है और इसका कार्य जन समुदाय में पर्यावरण के प्रति जागरूकता निर्माण करना और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है इसकी स्थापना कब की गई थी तो ये पांच जून 1981 में की गई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में है मध्यप्रदेश का त्रेपनवा जिला कौन सा बनेगा तो ये बनेगा मऊगंज तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है हमारे मध्य प्रदेश का त्रेपनवा जिला कौन सा बनेगा मऊगंज बनेगा ठीक है और किस जिले से अलग होकर बनेगा रीवा जिले से अलग होकर बनेगा मऊगंज और मध्य प्रदेश में अभी हाल में कितने जिले हैं तो बावन जिले है ठीक है और त्रेपनवा कौन सा होगा मऊगंज होगा जो कि रीवा जिले से अलग होकर बनेगा और देखिए अभी नागदा प्रस्तावित है नागदा उज्जैन जिले से अलग होकर बनेगा मेहर जो है ये भी प्रस्तावित है मेहर सतना जिले से अलग होकर बनेगा और जो चाचोड़ा है ये भी प्रस्तावित है चाचोड़ा किस जिले से अलग होकर बनेगा तो गुना जिले से अलग होकर बनेगा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है श्रीमती अनीता चौधरी श्रीमती गंगा राजपूत और श्रीमती नीतू परिहार तीनों को तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है उपरोक्त तीनों को अभी हाल ही में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दो से सम्मानित किया गया है बात करें यहाँ पर श्रीमती अनीता चौधरी की तो ये किस जिले से है तो इनका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ डिस्ट्रिक्ट से श्रीमती गंगा राजपूत जी हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से श्रीमती नीतू परिहार जी हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है ठीक है तो इनको तीनों को अभी हाल ही में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया है तो ये सम्मान इनको हमारे देश की मामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी तो ये 15 अगस्त 2019 से की गई थी किसके द्वारा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा हमारे देश देश में में जल जीवन मिशन की 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 शुरुआत कब से गई गई थी थी 15 अगस्त 2019 को को पूरे देश में पूरे परिवार को नल से जल कनेक्शन देने का लक्ष्य कब तक रखा गया है तो ये दो तक रखा गया है ठीक है तो ये भी याद रखिएगा पूरे देश का पहला हर घर जल जिला कौन सा है तो ये बुरानपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं और इस पर डेली क्वेश्चन के क्वीज भी होते हैं हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते कंप्यूटर से भी इस पर क्वीज होते हैं तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो